नागपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से दो दिवसीय जनता कर्फ्यू लगाया गया है। बड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले भोले पेट्रोल पंप के पास इस हत्या की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। जनता कर्फ्यू लगा होने से लोगों की आवाजाही कम होने के कारण इसी मौके का फायदा उठाकर 25 सितंबर को तकरीबन 3 बजे के दौरान लालगंज नागपुर निवासी कुख्यात अपराधी बालिया बिनेकर की दिन दहाड़े अमरावती रोड भोले पेट्रोल पंप के पास टू व्हीलर पर बैठकर आए दो बदमाशों ने पहले तो गाड़ी का पीछा किया। इसके बाद गाड़ी सिग्नल पर खड़ी थी तो दो बदमाशों ने गाड़ी बालिया कर बिनेकर की गाड़ी के सामने खड़ी कर दी। इतने में पीछे से आए चार बदमाशों ने अपनी गाड़ी में बैठे कुख्यात अपराधी बालिया बिनेकर की पहले तो गाड़ी के कांच तोड़े और उसके बाद धारदार हथियारों से पेट और छाती पर कई वार किए, जाने से बालिया बिनेकर खुद को संभालने की कोशिश में गाड़ी से नीचे गिर गया। ऐसे में ही हथियार से लैस होकर आए बदमाशों ने बालिया बिनेकर को कुल्हाड़ी और अन्य हथियारों से वार कर वहीं ढेर कर दिया। आरोपियों ने कुख्यात अपराधी बालिया पर वार करने के बाद वापस गाड़ी में धकेल दिया, फिर गाड़ी के अंदर घुसकर उसे पूर्ण रूप से मारकर आरोपी बकायदा गाड़ी से उतरकर अपनी टू व्हीलर गाड़ियों से निकल गए। पुलिस मौके पर पहुंचने पहले ही आरोपी मौके से फरार हो जाने में सफल हुए। मृतक बालिया बिनेकर भी कुख्यात बदमाश होने की वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह हत्या पैसों के विवाद या पुरानी रंजिश के चलते इस तरह हत्या को अंजाम दिया गया है। मृतक बालिया बिनेकर का जुआ अड्डा और भोजनालय का व्यवसाय होने से उसका लालगंज में काफी दबदबा था। इस हत्याकांड का संपूर्ण घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद होने की वजह से जल्दी इस वारदात के आरोपी पकड़ में आ सकते हैं। नवबारा समाचार नागपुर महाराष्ट्र से चिन्मय देवरे।